श्री बाघम्बरी गद्दी में गौशाला के उद्घाटन के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन गोवंश का प्रवेश कराया गया। इससे पहले नवनिर्मित और अत्याधुनिक गौशाला का उद्घाटन श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के महंत बलवीर गिरी महाराज, मुख्यातिथि निरंजनी आखाड़ा महामंडलेश्वर महेशानंद जी महाराज, महंत हरगोविंद पुरी जी महाराज, महंत केशव पुरी जी महाराज, महंत नरेश गिरी जी महाराज, महंत ओंकर गिरी जी महाराज, महंत राधे गिरी जी महाराज ने किया। सुबह मूर्ति प्रतिष्ठा, गोपूजन, प्रतिष्ठा हवन पूर्णाहुति हुई। श्री बाघम्बरी गद्दी में गौशाला के लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ 13 जुलाई को श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के महंत बलवीर गिरी जी महाराज ने विधि विधान से किया था। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के साधु संतों के अलावा उत्तर दक्षिण के ब्राह्मण भी मौजूद थे। 15 जुलाई को सुबह मूर्ति प्रतिष्ठा, गोपूजन, प्रतिष्ठा हवन पूर्णाहुति और शाम को महासुदर्शन हवन, दिग्बली पूजन हुआ। दोपहर को गौशाला का उद्घाटन के पश्चात गोवंश को माला पहनाकर आरती कर गौशाला में प्रवेश कराया गया। वहीं 16 जुलाई को सुबह लक्ष्मी नारायण हृदय हवन, दंपति आराधना, ब्राह्मण आराधना की जाएगी। कार्यक्रम में निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा के महंत और खड़दर्शन साधु समाज के साधु भी मौजूद रहे।